Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the first and the second chapter of your 9th ICSC Geography. Okay, and I think we are in the last part of the chapter number 1. That is, we are going to study about biosphere, ecosystem and all that things. And this is me presented by Zahir sir. Okay, okay. Let us start now. The first topic, that is biosphere. Okay, now what is a biosphere? ठीक है, इसको पढ़ेंगे. क्या है बायोस्फीयर? राइट, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है. लिखा है लिथोस्फीयर और आउटर लेयर, दैट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? अगेन समवन इज देयर. ओके, द फर्स्ट लिथोस्फीयर. अरे okay, I hope now no one knocks in. I hope the screen is clear to you and my voice is audible to you. Okay, just give me a thumbs up. Yeah, okay. I can hear your voice properly. Rudra, तुम्हारे पास इतना बड़ा वो गैजेट देखा मैंने अभी, है तो सही, उसका पूर्णता उपयोग कीजिए. ओके, लिथोस्फीयर. लिथो मतलब रॉक, स्फीयर लेयर. ठीक है, लिथोस्फीयर और वी कैन से द आउटर लेयर और क्रस्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, सेकंड क्या है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मींस वाटर, स्फीयर मींस लेयर, लेयर ऑफ वाटर और ऑल वाटर सोर्सेस अबव एंड अंडर द ग्राउंड एंड द एटमोस्फीयर और एयर, दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंप्राइज अबायोटिक. अबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग, याद रखिएगा. ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, तो अबायोटिक का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है नॉन लिविंग. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी सम बायोलॉजी ऑल्सो हियर. ठीक है, तो मैंने गलती से दूसरा शुरू कर दिया था, यहां से शुरू करना है. स्लाइड थोड़ा आगे पीछे है. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. आर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, इज द ओनली वन ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. सही बात है, जहां तक हमें पता है तब तक तो भाई अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, द लिथोस्फीयर दैट इज द लैंड, द हाइड्रोस्फीयर दैट इज द वॉटर, ओके, एंड द एयर कंप्राइजिंग ऑफ द एटमोस्फियर. इट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिक कॉम्बिनेशन that life originated and is still sustaining on this planet. The life supporting zone of the earth where, याद रखिएगा यहां से यहां यहां पर बहुत important line शुरू हो रहा है, where atmosphere, hydrosphere and lithosphere meet, interact and make life possible is known as biosphere. Now अगर इसको हम sum up करें तो what is biosphere? Biosphere is nothing but a combination of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ठीक है, इन तीनों का मिश्रण या मिक्सचर, जहां पर ये तीनों मीट होते हैं, मर्ज होते हैं या इंटरैक्ट होते हैं. इंटरैक्ट, इंटर मतलब अलग अलग, इंटर नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर, इंटर मतलब जुदा जुदा, अलग अलग और एक्ट करते हैं एक साथ, सो इंटरैक्ट, राइट. ठीक है, एंड मेक लाइफ पॉसिबल. आई रिपीट हियर. ठीक है, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, प्लीज आप लोग माइक ऑफ करेगा कोई माइक, किसका माइक ऑन है बेटा? इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. यस, थैंक यू. जिसने भी किया अपना नाम मत बताइएगा, बट थैंक यू. तो यहां पर क्या है? द लाइफ सपोर्टिंग जोन of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and lithosphere meet, interact and make life possible is known as biosphere. Is it clear to you? Okay, and someone is here. Yes, yes. Okay, chaliye ab aage dekhte hain. Iske baad lithosphere or our outer layer, that is the crust of the earth, hydrosphere or water sources above and underground, and atmosphere or air or a mixture of
गैसेस कंप्राइजेस अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट। सही बात है। एयर देखो क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। वाटर क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लिथोस्फियर रॉक पत्थर चलता है क्या? नहीं चलता है ना, तो ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अबायोटिक। समझ में आया? समझ में आया गेम के थम्स अप? कम ऑन, समझ में आया? इज अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं लाइक एटमोस्फियर लिथोस्फियर, राइट? दिस इज अबायोटिक। ओके, दिस आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ और वी कैन सी ऑफ द एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट अमंग द बायोटिक और वी कैन सी लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक मीन्स व्हाट? लिविंग कंपोनेंट्स कम ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स लिविंग ऑन द अर्थ। अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फियर रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? देखिए समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले यू नीड टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज अबायोटिक एंड व्हाट इज बायोटिक। आर यू क्लियर अबाउट दिस? अबायोटिक का मतलब क्या होता है? ऑल दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ ऑल दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, दैट इज दी एयर वाटर एंड क्रस्ट और वी कैन से लिथो। अब बायोटिक कंपोनेंट, इट कंप्राइज ऑफ ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल सॉर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब नाम तो नहीं जाऊंगा तो बहुत लंबा है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? माइक्रोब्स और वी कैन से ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमंस। ठीक है, बीच में प्लांट्स एनिमल्स शार्क डॉग ये सब आ गया। ठीक है, राइट? एल्गे पैरामीशियम ऑल दैट टाइप्स, राइट? दिस आर द बायोटिक एंट्री। अब देख क्या लिखा है, लिखा है यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फियर रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए सबसे पहले थोड़ा और बड़ा पिक्चर लेता हूं। बायोस्फियर इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर एंड लिथोस्फियर। अब इसके अंदर सी दिस आर व्हाट? दिस आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स। दिस आर व्हाट? दिस आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और वी कैन से अबायोटिक कंपोनेंट्स। लेकिन इनके ऊपर निर्भर कौन है? तो कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन दोनों के इंटरेक्शन, इन दोनों के मेल मिलाप से, ठीक है, इंटरेक्शन से क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ फूड है ना भाई, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड व्हाट? ऑफ एनर्जी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? मैंने समझाया वो? यस महेराज, क्लियर है? वापस समझाओ, किसी को वापस समझने की जरूरत है? थोड़ा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूं, शायद आप भी कंफ्यूज होंगे। कमान, मैं तो टीचर हूं, ठीक है, मैं कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यस यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड। ओके, यस राहुल रुद्र। ठीक है, वापस समझाता हूं बेटा, राइट? समझिएगा। ओके, सबसे पहले तो मुझे समझाना है बायोस्फीयर क्या है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, बायोस्फीयर की जगह पर लिखा है द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर मीट इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फियर। ठीक है, ये समझ में आया? जहां पर ऑल द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, दैट इज हाइड्रोस्फियर वाटर लिथोस्फियर क्रस्ट ऑफ द अर्थ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ एंड व्हाट एटमोस्फियर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फियर। और बायोस्फियर में क्या है? मेक लाइफ पॉसिबल है ना भाई, ये क्या है? सपोर्टिंग सिस्टम है। हमारा बायोस्फियर क्या है? सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, राइट? लाइफ सपोर्ट करता है ना भाई, मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फियर।
अब आते हैं यहां पर, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. ठीक है, दो चीजें हैं. देखो, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन समझना है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर. कुछ नहीं है, बायोस्फीयर में क्या है तो कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर एंड व्हाट वाज द थर्ड वन, एटमोस्फीयर. ठीक है, ये तीनों के मेल मिलाप से मिलजुल कर रहते हैं ये तीनों. ठीक है, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, पॉसिबल क्या करते हैं, पॉसिबल व्हाट दे सपोर्ट, दे सपोर्ट लाइफ, और वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या. ठीक है, लेकिन दिस थ्री आर व्हाट, दिस थ्री आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. व्हाट, दिस आर द नॉन लिविंग थिंग्स, नो, अबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट. और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, राइट, फ्रॉम द माइक्रोब्स टू द ह्यूमंस, राइट, दिस आर ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स. अब ये अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों के इंटरैक्शन से, इंटरैक्शन का मतलब आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर क्या करते हैं, फूड एंड एनर्जी, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं एनवायरमेंट को. ओके, क्लियर हुआ बेटा, सभी को क्लियर हुआ, गिव अ थम्स अप, कम ऑन, सभी को क्लियर हुआ. ओके, ठीक है, लक्ष्य, ओके, ग्रेस इज हियर, धर्म इज हियर, ओके, आदिति, ओके, अनुष्का, यस, शाश्वत, ओके, साक्षी पटेल, हेलेन, ओके, सर कैन यू री एक्सप्लेन, ओके, आई विल री एक्सप्लेन अगेन, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है. ये चीज समझोगे नहीं ना तो आपको फूड चेन समझ में नहीं आएगा, फूड वेब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे थोड़ा थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, और ये बायोलॉजी के वे में हमें कहीं ना कहीं पढ़ना है इसको. देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है सुजल, दैट व्हाट इज बायोस्फीयर. ठीक है, स्फीयर मीन्स व्हाट, लेयर, बायो दैट इज द एनवायरमेंट. ठीक है, तो यहां पर बायोस्फीयर तीन कंपोनेंट से बना हुआ है. इट इज कंप्राइजिंग ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, द फर्स्ट वन हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, द सेकेंड वन सुजल ध्यान देना बेटा, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी ध्यान दीजिएगा. द सेकेंड वन इज द एटमोस्फियर एंड द थर्ड वन इज द लिथोस्फियर. हाइड्रोस्फियर मतलब क्या, हाइड्रोस्फियर का मतलब क्या, पानी. ठीक है, पानी है ना भाई, पानी, ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर सोर्सेस, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे अंडरग्राउंड में हो, सरफेस पे हो, कहीं पर भी, एटमोस्फियर में भी क्लाउड्स है, कहीं ना कहीं वाटर ही तो है. ठीक है, तो हाइड्रोस्फियर, वाटर, व्हाट इज एटमोस्फियर, एटमोस्फियर क्या है भाई, एयर, जो हम सांस लेते हैं. लिथोस्फियर क्या है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब बताओ जरा मुझे, ये तीनों में से किसी की दिल की धड़कन है, कोई सांस लेता है, कोई ग्रो करता है, कोई खाना खाता है, नहीं. तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है अबायोटिक. क्या है बेटा, दिस आर दी अबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है. ठीक है, दिस थ्री आर व्हाट, दिस थ्री आर अबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ लेट अस कम टू द अदर थिंग दैट इज बायोटिक कंपोनेंट. अब बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स, विच इंक्लूड्स व्हाट, राइट फ्रॉम द स्मॉल माइक्रोब्स टू व्हाट, टू द
ह्यूमंस, टू द ह्यूमन बींग्स। ओके, ध्रुव जैन कौन है? न्यू स्टूडेंट ध्रुव जैन। चलिए समझ में आया बेटा, राइट। अब देखिए क्या होता है। होता है यहां पर कि ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग एंड लिविंग, ठीक है। ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं और यहां पर क्या रिजल्ट होता है, हमें रिजल्ट बायोस्फीयर में क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट मिलता है फ्लो ऑफ फूड एंड व्हाट। अब फूड लेंगे तो एनर्जी मिलेगा ना भाई काम करने का, ठीक है। तो बस यही लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब कौन? अबायोटिक, ठीक है, दैट इज एयर वाटर एंड लिथोस्फियर, ठीक है। अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, लिविंग का मतलब क्या? दैट इज अस ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या माइक्रोब्स एनिमल्स सब कुछ, ठीक है, जो सांस लेता है वो, जो जिंदा है, जो हिलता डुलता है वो, ठीक है। तो लिविंग, सो नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फियर रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी, ठीक है। तो इनका इंटरेक्शन होता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी, विच मेक्स इट अ डायनामिक। डायनामिक मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? एवर मूविंग। डायनामिक का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? डायनामिक का मतलब होता है एवर मूविंग, कभी रुकता नहीं है, ठीक है, बस चलते रहता है, उसको कहते हैं डायनामिक। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डायनामिक? स्टैटिक, है ना। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डायनामिक? स्टैटिक, राइट। नो फैनिल, नो, समझ में नहीं आया बेटा फैनिल, किधर गई? ठीक है जाने दीजिए। है तो यहां क्या लिखा है? लिखा है जो ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी है विच मेक्स इट अ डायनामिक बट स्टेबल सिस्टम, ठीक है। स्टेबल सिस्टम तो है ही, देखिए कई 100 सालों, हजारों, मिलियंस ऑफ इयर्स अर्थ में लाइफ सस्टेन हो रही है, तो एक स्टेबल सिस्टम है ही ना हमारे पास, राइट, ठीक है। तो क्या है यहां पर? तो इनका इंटरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्टेबल और एक डायनामिक कंडीशन को यहां पे सेटिस्फाई करते हैं। अब आगे देखते हैं। द बायोस्फियर इज द बिगेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम बट इन फैक्ट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर फंक्शनल यूनिट्स नोन एज इकोसिस्टम। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम? बायोस्फीयर बहुत ही बड़ा है, इट इज वेरी बिग एंड इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स दैट आर नोन एज इकोसिस्टम। तो कह सकता हूं दैट इकोसिस्टम इज अ सबसेट एंड बायोस्फीयर इज अ यूनिवर्सल सेट। आगे मैथ्स को लेकर के देखे तो क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनते हैं? बायोस्फीयर बनते हैं, समझ में आया। लेकिन इससे पहले आपको बायोस्फीयर का मतलब समझना जरूरी है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है बेटा? तो बायोस्फीयर इज व्हाट? इट इज द इंटरैक्शन जहां पर तीनों, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, ठीक, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर मीट, इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल, इट इज नोन एज बायोस्फियर, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेता हूं, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड, डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड दिस बायोस्फियर? बायोस्फियर एक बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है, बायोस्फियर एक बड़ा कंपोनेंट है जिसके अंदर अर्थ, दैट इज लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम उसका छोटा पार्ट है, सबसेट है भाई, सबसेट है ना, सबसेट समझते हो ना क्या होता है, छोटा पार्ट। तो बहुत सारे सबसेट से क्या बनता है? एक बड़ा पार्ट बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है, समझ में आया, ठीक है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फियर बनाते हैं। अच्छा, अब जिसने भी यस 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 किया है ना, अब उनकी शाम आने वाली है,
मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है? देखिए मुझे थोड़ा, हाँ मुझे थोड़ा यहां पर एक बड़ा सा ये था ब्लैंक स्पेस। अच्छा ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? बायोस्फीयर। अच्छा ये बताइए, मेरे घर पे एक एक्वेरियम है, ठीक है, और उसके अंदर वो हाइड्रोला भी, वो एक प्लांट है, हाइड्रिला, हाइड्रो, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, 9th में आता था मुझे, हाइड्रा, हाइड्रा इज देयर, प्लांट इज देयर, ओके, यहां पे प्लांट है, एक्वेरियम में प्लांट है, मैंने पानी डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, और मैंने एक एयर पंप लगा दिया, आपको पता होगा एक्वेरियम में सेटअप जनरल सेटअप है। अच्छा और मेन चीज तो बाकी रह गई, फिश भी है, ठीक है, राइट, फिश है, तो क्या ये एक इकोसिस्टम है? इज इट ए इकोसिस्टम? यस सर, यस सर, इज इट इकोसिस्टम? यस सर, यस सर, यस बहुत बढ़िया। सर, अच्छा, क्यों, व्हाट आर द रीजंस, बैकअप दो मुझे, प्रमाण दो भाई। क्योंकि वाटर एज हाइड्रोस्फीयर, प्लांट एज हाँ लिथोस्फीयर एंड एयर पंप यस, एज एटमोस्फीयर। अच्छा ऐसा बोल रही, लिथोस्फीयर कहाँ है यहाँ पर? अच्छा लिथोस्फीयर ऐसा, अगर मैं यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा दूँ तो, यहाँ पर पहाड़ लगा दूँ तो, पत्थर डाल दूं अंदर, स्टोन्स डाल दूं, रंग बिरंगे स्टोन्स डाल दूं, ऐसा तो हो गया, ये हो गया, हाँ क्रस्ट, मतलब इन शॉर्ट क्रस्ट डाल दूं तो हो गया बेटा ये, यस यस ओके, सबको क्लियर हो गया। हाश, मेरा इस धरती पे जन्म लेने का जो मकसद था वो पूरा हो गया, कि मैंने बच्चों को डिफरेंस बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ इकोसिस्टम एंड अ बायोस्फीयर। ओके ठीक है, अब मैं चार धाम की यात्रा पे जा सकता हूँ, निर्वाण मिल गया है मुझे, बच्चों को समझा दिया मैंने, ठीक है, दैट व्हाट इज द हाइड्रो, व्हाट इज दिस बायोस्फीयर एंड व्हाट इज इकोसिस्टम। ओके अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, इज अ डेजर्ट, लेट से रन ऑफ कच्छ, लेट से थार डेजर्ट, इज इट इकोसिस्टम, इज इट यस इकोसिस्टम? सर, यस सर, यस, यस स्वयं बोल रहा है यस, बाकी सब नो बोल रहे हैं। अच्छा, स्वयं पटेल स्मिथ, साक्षी दवे, हिमानी, धर्म सिंह, नो, ओके ठीक है, सबकी राय अलग अलग है। यहां पर जिन्होंने नो बोला है उनको बताना चाहूंगा कि वो गलत है बेटा। देखिए अगेन हेलिन, आई डिडंट आस्क फॉर, आई डिडंट आस्क फॉर बायोस्फियर, मैंने क्या बोला, इकोसिस्टम, मैंने क्या बोला, मैंने बोला डेजर्ट इज इकोसिस्टम, आप सभी ने बोला नो, लेकिन सभी ने मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन डेजर्ट इज एन इकोसिस्टम, ठीक है, डेजर्ट इज एन इकोसिस्टम, इसीलिए मैंने पहले एक्वेरियम का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एक्वेरियम में तीनों चीज आ गई, एटमोस्फियर आ गया, लिथोस्फियर आ गया एंड हाइड्रोस्फियर आ गया, तो दैट वॉज अ बायोस्फीयर ऑल्सो, लेकिन उसको बायोस्फीयर नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि बायोस्फीयर तो बहुत बड़ा होता है, बट दैट इटसेल्फ कंप्राइज ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन अगेन, अब इकोसिस्टम का मैंने डेफिनेशन नहीं समझाया इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, इकोसिस्टम का डेफिनेशन समझाता हूं फिर लेते हैं इसको, डेजर्ट, वेदर डेजर्ट इज अ इकोसिस्टम और नॉट, डेजर्ट, डेजर्ट कैन नॉट बी अ बायोस्फीयर, राइट, डेजर्ट, अगर मैं ऐसा कहूं कि डेजर्ट कैन बी अ बायोस्फीयर तो मैं गलत हूं, बिकॉज वहां पर पानी नहीं है, वहां पर हवा है, वहां पर जमीन है, ठीक है, लेकिन पानी नहीं है, यस यस यस। चलिए आई होप क्लियर हो गया, बहुत सारे बच्चों का डाउट यस होगा तो अभी मैं रिपीट नहीं कर यस सकता, क्योंकि बिकॉज हाफ एन आवर हो चुका है एंड आई नीड टू कंप्लीट दिस सिलेबस ऑल्सो एट द सेम टाइम, स्कूल में पता नहीं कहाँ 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 पहुंच जाते हैं, कम ऑन लेट अस स्टार्ट हियर। अब समझिए, देखिए यहां पर इसीलिए मैंने समझाया था, द बायोस्फीयर इज द बिगेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोस्फीयर क्या है, इट इज द बिगेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम, बट इन फैक्ट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर फंक्शनल यूनिट्स नोन एज इकोसिस्टम्स। समवन्स माइक इज ऑन, दैट इज रावल रुद्र, और तेरे को मैं यहां पे म्यूट कर रहा हूं।
चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम समझ में आया क्या है, और यू कैन सी इकोलॉजिकल सिस्टम्स। लेट अस सी, लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। और बहुत बार आपके स्कूल में, जब आपका स्कूल फिजिकली शुरू होता है एंड RT1 RT2 आता है, बच्चे इसी में धोखा खा जाते हैं कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम एंड व्हाट इज अ बायोस्फीयर। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। याद रखिएगा, अगर बायोस्फीयर समझ में आया है तो इकोसिस्टम समझ में आएगा। ओके, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इट इज एन ओपन सिस्टम एंड डिपेंड्स अपॉन सोलार एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एज इट्स एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो यहां पर अगर की पॉइंट्स में यहां पर रखू, मैं इकोसिस्टम के डेफिनेशन में की पॉइंट रखू, तो की पॉइंट क्या है? व्हाट आर द की पॉइंट्स? सेल्फ सस्टेनिंग, यस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, यस, है ही ना। स्ट्रक्चर देता है हमें, हमें पानी देता है, हाइड्रोस्फीयर देता है, कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर देता है, कहीं पर लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर बनाकर इकोसिस्टम बनाते हैं, कहीं पे तीनों मिलकर छोटा सा इकोसिस्टम बनाते हैं, जैसे एक्वेरियम है। ओके, ठीक है, तो क्या है सेल्फ सस्टेनिंग? सेल्फ सस्टेनिंग समझते हो? सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब अपने आप ही सस्टेन कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहा, ठीक है। लेकिन मेन सोर्स क्या है उसका? उसका जो मेन एनर्जी सोर्स है वो क्या है बेटा? दैट इज सोलार एनर्जी। व्हाट? सोलार एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? आगे सिखाता हूं, समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। बहुत धीरे जा रहा हूं बेटा, बहुत ही स्लोली जा रहा हूं, ओके, ताकि समझ में आए। ये समझ में आएगा तो फूड चेन समझ में आ जाएगा, फटाफट हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग 8th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में पढ़े होंगे ये चीज, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में। यस यस, ओके ओके, लेकिन इतना क्लियर पिक्चर किसी ने दिया नहीं होगा आई होप। ठीक है, मेरा इस धरती पे आना सफल हुआ। ठीक है, चलिए अब आइए देखते इसके बाद। ओके, जोक्स अपार्ट, इट इज एन ओपन सिस्टम एंड डिपेंड्स अपॉन वॉट? अपॉन दिस सोलार एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एज इट्स एनर्जी सोर्स। Ecosystems can be small or large and are placed in nature contiguously. Contiguously या contiguously का मतलब continuously, एक तरीके से। Between adjoining ecosystems, there is frequent exchange of material and energy. अच्छा, example देते हैं, देखो। Ecosystem में जरूरी नहीं है all the three spheres of biosphere मिलकर ecosystem बनाए, नहीं। हो सकता है atmosphere और लिथोस्फियर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यहां पर डेजर्ट का, तो ये इकोसिस्टम है, यस, ये इकोसिस्टम है, ठीक है। हो सकता है द सेम एटमोस्फियर और समंदर, सी या लेक, लेट अस से लेक एंड पॉन्ड, ये है क्या? एक तरीके से इकोसिस्टम तो है, लाइक लेक और पॉन्ड चलो नहीं लेते हैं क्योंकि आसपास जमीन भी आ जाएगी, लेट अस से सी, ओशन, तो ये क्या है? ये भी एक इकोसिस्टम है जहां पर लाइफ सपोर्ट होती है। और ऐसे छोटे मोटे इकोसिस्टम मिलाकर क्या बनता है? एक बड़ा बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बिटवीन एडजॉइनिंग, मतलब एडजॉइनिंग का मतलब बाजू बाजू में। हो सकता है यहां पर समंदर हो कुछ दूर, यहां पर लैंड हो और हवा तो हर कहीं है, तो ये क्या बनता है? एडजॉइनिंग है, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बन के क्या बन रहा है? बायोस्फीयर बन रहा है। समझ में आया? नहीं आया, वापस समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला एटमोस्फियर और लेट अस से सी एंड ओशन, ये मिलके वन इकोसिस्टम। लेट अस से द सेकंड कंपोनेंट, एटमोस्फियर एंड व्हाट? लेट अस से लैंड, डेजर्ट, लेट अस से फॉरेस्ट, लैंड ही तो है, ठीक है, ये बन के इकोसिस्टम। यहां तो अब समंदर है नहीं, पानी है नहीं, तो इसको बायोस्फीयर कह सकते हैं? नहीं, ये दोनों इकोसिस्टम है लेकिन दोनों बाजू बाजू में है, लेट अस से। तो एडजॉइनिंग इकोसिस्टम मिलकर क्या बना सकता है? मिलकर बना सकता है, क्या बना सकता है बेटा?
बायोस्फीयर है ना। तभी तो क्या कहा है, तभी तो कहा है कि छोटे मोटे जो इकोसिस्टम है वो क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। आया समझ में, आया समझ में, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आया, वापस समझाऊं, जिसको वापस समझना है वो नो लिखिए, जिसको वापस समझना है वो नो लिखिए, कम ऑन। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ नहीं है, बायोस्फीयर का छोटा सा पार्ट है। जैसे 9th में आप लोग शायद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते होंगे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन एनाटॉमी में। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि किडनी का जो छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो ऑल द रीनल एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन, लेट अस से सेल। सेल क्या है ना, बहुत सारे सेल्स बनके क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है ना भाई, ठीक है, सेल बनके क्या बनता है भाई, ह्यूमन बॉडी बनता है ना। तो हम कह सकते हैं सेल इज व्हाट, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। कहते हैं ना, बचपन में पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया, रट्टा तो मार लिया, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं वो यही है कि बायोस्फीयर जो है, ठीक है, वो तीन सब्सटेंस से बना है, ठीक है, तीन स्फीयर से बना है, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इकोसिस्टम तीनों से बना हो, इकोसिस्टम हो सकता है सिर्फ वाटर और जमीन से बना हो। लेट अस से एग्जांपल इसका पॉन्ड है, एटमोस्फेयर तो हर कहीं है, एटमोस्फेयर तो हर कहीं है ना, ठीक है। तो छोटे छोटे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में। अब देखिए क्या लिखा है यहां पर, इकोसिस्टम में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, इकोसिस्टम्स कैन बी स्मॉल और लार्ज एंड आर प्लेस्ड इन नेचर कंटिन्यूअसली, ठीक है। बिटवीन एडजॉइनिंग इकोसिस्टम्स देयर इज अ फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एंड एनर्जी, दस दे आर इंटरकनेक्टेड एंड हेंस इंटर रिलेटेड। अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर। ये समझाना चाहता हूं, वास्ट मतलब क्या, बड़ा, बिग, अ बिग नेटवर्क, अ बिग नेटवर्क ऑफ ऑल द इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपको क्लियरली दिखेगा नहीं कि जुड़े हुए हैं कि नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं। सो इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम्स कंस्टिट्यूट व्हाट, अ बायोस्फीयर। एग्जांपल वापस लेता हूं, देखिएगा समझिएगा, देखिए लेट अस से E1, इकोसिस्टम वन, ठीक है, ये क्या है, हवा है और पानी है, सी है, ठीक है। लेट्स से E2, ये क्या है, अगेन हवा है, एटमोस्फियर है, और लेट अस से लैंड है या डेजर्ट है या फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम तो यही है देखो, लेकिन ये दो तो इकोसिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है कि समंदर से कोई प्राणी, लेट अस से टर्टल, टर्टल जो है लैंड पे आता है भाई, यहां पे बच्चे देता है, अंडे देता है, वापस जाता है, वापस वही बच्चे यहां पर आते हैं। इसका शिकार कौन करता है, इसका शिकार ऑल द ईगल्स, ऑल द ऑल सॉर्ट ऑफ बर्ड्स करते हैं, खाते हैं ना, टर्टल के बच्चों को खाते हैं, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, राइट। लेट अस से फॉरेस्ट से कोई आता है, अगर फॉरेस्ट है, एटमोस्फियर और फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से कोई आता है और इनको खा जाता है, लेट अस से। तो क्या है, दोनों इकोसिस्टम क्या है, इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और ये कनेक्टेड है, इसीलिए इसको मैं बायोस्फीयर कह सकता हूं। और इसीलिए बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इज अ सुपर सेट, इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स एंड द सबसेट्स आर इकोसिस्टम, ठीक है। समझ में आया बेटा, आया समझ में, आया समझ में, ओके ठीक है बेटा, ठीक है, आई होप समझ में आया है, ओके ओके ओके, ठीक
ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो क्या लिखा है। बिटवीन ऑल एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब कनेक्टेड, एडजॉइनिंग समझते हो ना, इन द एडजॉइनिंग क्लास, बाजू वाले क्लास में, राइट। एडजॉइनिंग मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो बिटवीन द एडजॉइनिंग इकोसिस्टम्स देयर इज अ फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। सही बात है भाई, खाना जाता है ना, खाना यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है ना, ठीक है। सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत सारे मिनरल्स भी जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल भी जाते हैं। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम में ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इज देयर, दस दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है एंड हेंस इंटर रिलेटेड, हेंस इंटर रिलेटेड। द वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल द इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ व्हाट, कंस्टिट्यूट्स ऑफ बायोस्फीयर, ओके ठीक है। और इकोसिस्टम का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है भाई, एनर्जी का। इकोसिस्टम का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, सोलार एनर्जी, सही है। और सोलार एनर्जी का जरिए सर यूज करते हैं, जादू है क्या, धूप आएगा, हाथ ऐसा करेंगे और वो धूप आएगा और बास्केटबॉल उछाड़ेंगे हवा में, या रोहित को उछालेंगे हवा में, नहीं ठीक है, मेरे पास वो चीज नहीं है। वो चीज किसके पास है भाई, वो चीज है सिर्फ ऑटोट्रॉप्स के पास। किसके पास है भाई, ऑटोट्रॉप्स। जहीर सर इज नॉट एन ऑटोट्रॉफ, ही इज अ हीटरोट्रॉफ, समझाऊंगा अभी क्या है ऑटोट्रॉफ, ओके, या ऑटोट्रॉप्स क्या है, राइट। चलिए यस यस ओके आगे देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा और समझना जरूरी है। इकोसिस्टम्स आर मोस्टली नेचुरल सिस्टम्स, ठीक है। इकोसिस्टम जितने भी है सारे नेचुरल सिस्टम्स है, लेकिन कहीं कहीं पर आर्टिफिशियल सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियली हम कोई बायोस्फीयर बनाते हैं, कोई इकोसिस्टम बनाते हैं। द नेचुरल सिस्टम्स आर टेरेस्ट्रियल, लैंड एज वेल एज एक्वाटिक। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड इकोसिस्टम्स, देखो लैंड इकोसिस्टम्स में कौन कौन है, फॉरेस्ट है ना भाई, फॉरेस्ट में क्या है, लिथोस्फियर है और एटमोस्फियर है, तो ये क्या बना, एक इकोसिस्टम बना ना, यस बना। ग्रासलैंड सेम, लिथोस्फियर एटमोस्फियर, और अमीडो अ डेजर्ट क्या है, इकोसिस्टम है, यस अ हिल साइड। अच्छा पॉन्ड देखो, वाटर पॉन्ड क्या है, पानी, और हवा इकोसिस्टम है, लेक भाई है, तीनों है लेक में, तो नीचे जमीन भी तो है ना। तो लेक, रिवर, सी कोस्ट एंड ओशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स क्रिएटेड बाय मैन आर अ क्रॉप लैंड, दैट इज एग्रो इकोसिस्टम। हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। अ गार्डन, यस इट इज एन इकोसिस्टम। अ पार्क है ना, जडेश्वर पार्क, जडेश्वर वन, फिर किचन गार्डन और एन एक्वेरियम, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। समझ में आया, इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। देखो दो चीजें समझाई मैंने, अभी तक मैंने कोई कथा नहीं की है, सिर्फ दो चीजें समझाई है, बायोस्फीयर समझाया है और इकोसिस्टम समझाया है। अब इकोसिस्टम के अंदर हम समझते हैं क्या है। एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, अबायोटिक एंड बायोटिक। व्हाट इज अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं क्या होता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। तो ये सब क्या है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स है, क्या है, अबायोटिक, नॉन लिविंग है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, एम आई गोइंग टू फास्ट, एम आई गोइंग टू फास्ट। हाँ, ठीक है, हिटरोट्रॉप्स, ओके। सेल्स देखो, एक बार हम शुरू कर देते हैं उसको, मनुष्य उसको एक बार हम सेटअप करके रख देते हैं, ठीक है, फिर वो अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है ना, राइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किचन गार्डन, किचन गार्डन पार्क, जडेश्वर पार्क क्या है, हमने एक बार सेटअप कर दिया, आर्टिफिशियल का मतलब यही होता है ना, यस। कोई गार्डन ले लो, लॉ गार्डन ले लो,
कांकरिया ले लो, कोई एक छोटा गार्डन ले लो, हमने एक बार सेटअप कर दिया, उसके बाद क्या है, उसके ऊपर बर्ड्स आके रहेंगे, है ना, समझ में आया? तो आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनिंग है, कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनिंग है, और अगर जब नहीं होता है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाते हैं भाई, वो झाड़ मर गया वापस लगाओ, नया पौधा लगाओ, ठीक है, तो आर्टिफिशियल तो उसको ही कहेंगे, लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग तो है ना, देखो बारिश के मौसम में सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, राइट, ठीक है, ऐसा इस तरीके से, ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो समझना क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स तो दो चीजें हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक है, दिस आर इन्वॉल्व इन द साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। व्हाट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंस, ह्यूमिक मतलब हमारे मतलब वेस्ट एक तरीके से, राइट, तो ह्यूमिक सब्सटेंस, दे लार्जली फॉर्म द लिविंग बॉडी एंड लिंक अबायोटिक कंपोनेंट्स विद द बायोटिक वन, यस। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, एटमोस्फियर, सनलाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, एडाफेक, एडाफेक का मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से बारिश से रिलेटेड, एडाफेक सच एज सॉइल टेक्सचर, टोपोग्राफी, दिस फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ओके, सो थ्री थिंग्स वी हैव स्टडीड। सबसे पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑल दैट। व्हाट आर ऑर्गेनिक वंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स, ये सब ऑर्गेनिक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स समझ में आ गया होगा, राइट। बातें हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, अब यहां से समझना है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, कौन आता है, प्रोड्यूसर, ओके, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या होता है, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल है ना, ठीक है, क्लोरोफिल बैरिंग प्लांट्स सच एज एल्गे, ग्रास एंड ट्रीज, राइट, देखो क्या है क्लोरोफिल, समझते हो ना, आई होप बायोलॉजी में आपने सीखा होगा क्लोरोफिल, स्टोमेटा वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है, तो क्लोरोफिल सब्सटेंस, एंड दे कन्वर्ट व्हाट, दे कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो फोटो, फोटॉन्स पता है ना क्या होता है, फोटॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब वही, ठीक है, जो सनलाइट में जो एनर्जी पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नोन एज फोटॉन्स, एनर्जी पैक्ड पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। तो फोटॉन्स का सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज करना मतलब क्या, उनके ऊपर एक्शन करना, उसको यूज करना, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और यही फोटोसिंथेसिस लक्ष्य, बार बार आप म्यूट अनम्यूट क्यों कर रहे हो, अच्छा, ठीक है, ओके, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक तरीके से फोटॉन्स का सिंथेसिस, फोटॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस, राइट, और इससे क्या बनता है, केमिकल एनर्जी से क्लोरोफिल बनता है, सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्लोरोफिल बनाते हैं, और ये क्या बनता है, खाना बनता है, फॉर व्हाट, फॉर द प्लांट्स, दिस इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मतलब क्या, लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स में कौन है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही, इनके ऊपर ही क्या चलता है, पूरा के पूरा फूड चेन चलता है, और बहुत सारी फूड चेन बना के क्या बनाती है भाई, फूड वेब बनाती है, आई होप यू आर वेल फेमिलियर विद दिस वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखते कंज्यूमर्स, नाउ वी आर द कंज्यूमर्स, राइट, कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स
हुज फूड रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। यस, है ना भाई, हम सब कंज्यूमर है, हम सब कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो वी आर व्हाट, वी आर कंज्यूमर्स, राइट। दे आर रिफर्ड टू एज हीटरोट्रॉफ्स, वी आर हीटरोट्रॉफ्स, वी आर कंज्यूमर्स। दीज आर मोस्टली एनिमल्स, दोज हु फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, और प्लांट्स को क्या कहा गया, ऑटोट्रॉफ्स। सो जो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर या हर्बीवोरस, मैं तो हर्बीवोर कहूंगा, हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर, रैबिट, गोट, शीप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द एनिमल्स हु फीड ऑन द हर्बीवोर्स आर नोन एज कार्निवोर्स, लाइक हॉक एंड लायंस, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। दिस मे बी आइदर प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन फीड ऑन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर, कॉकरोच, फॉक्स, ह्यूमंस, वी आर ओमनीवोर, राइट। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर दो टॉपिक्स खत्म किए मैंने, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक वाला और वो वाला चीज, राइट। ठीक है, एंड आई होप द टाइम इज अप, ओके, प्लीज स्टे ट्यून्ड।